वेलकम टू श्रीजी फूड। मैं हूं मनीषा ठक्कर। आज हम बनाएंगे इटालियन पिज्ज़ा। पिज्ज़ा छोटे बड़े सभी को बहुत ही पसंद होता है और आज मैं आपको एकदम आसान तरीके से पिज्ज़ा बनाना सिखाने वाली हूं, जिसके लिए ना ही आपको ईस्ट की ज़रूरत है ना ही ओवन की। आज हम एकदम आसान तरीके से गैस के ऊपर पिज्ज़ा बनाएंगे, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा बेस के लिए आटा लगाएंगे। तो 200 ग्राम मैंने मैदा लिया है। इसी के साथ हम आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, स्वाद अनुसार नमक, 2 छोटी चम्मच ऑयल, आधा कप दही और थोड़ा पानी यूज़ करेंगे। तो जो मैदा हमने लिया है उसे मैंने पहले ही छान के रखा है। इसमें हम सारी ड्राई चीज़ें ऐड करेंगे, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक। ऑयल इस टाइम पे हमें ऐड नहीं करना। जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाए उसके बाद दही ऐड करेंगे। दही ज़्यादा खट्टा भी नहीं और फीका भी नहीं, और रूम टेम्परेचर का लेना है। दही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी ऐड करें और इसका पराठे जैसा आटा लगाना है। तो दही में कितना पानी है उस हिसाब से बाकी का पानी आपको यूज़ करना है। तो पानी धीरे धीरे ऐड करें ताकि आटा सॉफ्ट ना हो जाए। अगर आटा सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें से जो भी आप पिज़्ज़ा बेस बनाओगे वो थोड़ा खाने में चुई बनेगा, तो पानी का खास ध्यान रखें इसमें। तो अच्छी तरह से मैंने इसका आटा लगा लिया है, सेम पराठे जैसा आटा लग जाए उसके बाद ऑयल इसमें ऐड करना है और अच्छी तरह से इसे हमें मसलना है। आप 2-3 मिनट इसे मसलोगे तो जो ऑयल हमने यूज़ किया है वो अच्छी तरह से आटे में मिक्स हो जाएगा और आटा एकदम चिकना भी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसे मसलते रहना है। तो हमारा पिज़्ज़ा बेस का आटा अब लगकर रेडी है। इसके ऊपर ढक्कन रख दे और 10 से 15 मिनट इस आटे को रहने दे। 15 मिनट के बाद जब आप देखोगे तो आटा अच्छी तरह से सेट हो गया होगा। आप देख सकते हैं ये आटा एकदम स्मूथ है। इस तरह का आटा लगाना है। अब इसमें से एक बड़ा लोया बना लेना है। जो भी साइज़ का आप पिज़्ज़ा बेस बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप लोया बनाए और बाकी का जो आटा है उसे ढककर साइड में रख दे। अब सूखा आटा लेना है डस्टिंग के लिए और इस बेस को मीडियम थिक हमें बेल लेना है। अगर आटा परफेक्ट लगा होगा तो सूखा आटा आपको एक ही बार लेना पड़ेगा। अभी मैं मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बना रही हूँ, तो इतना मैंने इसे बेल लिया है और इसकी थिकनेस मैंने इस तरह की रखी है। अब कांटे की मदद से इसके ऊपर इस तरह से निशान कर देने हैं ताकि वो फूले ना। अब इसे रोस्ट करना है, तो रोस्ट करने के लिए एक तवी लेके उसे गर्म करने के लिए रखेंगे। जब वो गर्म हो जाए तो पिज़्ज़ा बेस उसके ऊपर रखें और इसे स्लो गैस पे रोस्ट करना है। जब ये एक साइड थोड़ा रोस्ट हो जाए उसके बाद इसे पलटा दे। अभी भी गैस की फ्लेम स्लो ही रखनी है और जो पका हुआ उसका हिस्सा है इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस आप मार्केट का या घर का बना कोई भी ले सकते हो, और अगर घर पे बनाना चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है, वहाँ से उसकी रेसिपी देख सकते हैं। इतनी साइज़ में मैंने 2 से 3 चम्मच जितना पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर वेजिटेबल रखेंगे। आप अपनी चॉइस के हिसाब से वेजिटेबल इसमें यूज़ कर सकते हो। अभी हम इटालियन पिज़्ज़ा में जितने भी वेजिटेबल यूज़ होते हैं वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 तरह के कैप्सिकम, बेबी कॉर्न लिए हैं जिसे इस तरह से पतला कट कर लिया है, ऑलिव रखेंगे इसके ऊपर और उसके बाद एलेपिनो रखेंगे। जो लोग प्याज खाते हैं वो प्याज भी इसके ऊपर रख सकते हैं। बॉइल्ड स्वीट कॉर्न रखेंगे और इसके ऊपर हम मोज़रेला चीज़ ग्रेट करके ऐड करेंगे। चीज़ किस तरह से बनाना है वो पहले ही चैनल पे बताया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल हम किनारों पे लगा देंगे, इससे बेस बहुत ही बढ़िया पककर रेडी होगा। इसके ऊपर एक ढक्कन रख दे और स्लो गैस पे ही इसे 3 से 4 मिनट तक पकने दे। 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं चीज़ बहुत ही बढ़िया मेल्ट हो गया है और इसका बेस भी अच्छा पककर रेडी हुआ है। तो अब इसे कट करते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये कट हो जाता है। अब इसकी सीजनिंग करेंगे, तो सीजनिंग में आप मिक्स हर्ब,
या रेडी पिज़्ज़ा सीजनिंग जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। अभी मैंने ओरेगानो, चिली फ्लेक्स और थाइम्स तीनों को यूज़ किया है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से सीजनिंग कर सकते हैं। और अगर सीजनिंग आप चीज़ के ऊपर ही ऐड करना चाहो और उसके बाद चीज़ को मेल्ट करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने एक पिज़्ज़ा में चीज़ के ऊपर सीजनिंग किया है और आप देख सकते हैं चीज़ के साथ ये सीजनिंग भी बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और जो बेस इसका बनता है वो भी बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी होता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया इस पिज़्ज़ा का टेक्सचर आया है। तो इस तरह से पिज़्ज़ा बनाओगे तो वो ऊपर से क्रिस्पी और खाने में एकदम सॉफ्ट बनता है। तो अब हमारा एकदम टेस्टी और यम्मी इटालियन पिज़्ज़ा सर्विंग के लिए रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है तो एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। और अभी जो हमने मेज़रमेंट लिया उससे आप इस साइज़ के 5 से 6 पिज़्ज़ा बनाकर रेडी कर सकते हो। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी।